हम आपके लिए ईटी नाव और स्वदेश पर एक ऐसी खबर लेकर आते हैं जिसका सीधा असर हमें बजट में देखने को मिल सकता है। उत्कर्ष हमारे साथ जुड़े हैं यह बताने के लिए कि इस बार ऑटो इंडस्ट्री के लिए बजट में क्या घोषणाएं हो सकती हैं। उत्कर्ष बताइए। देखिए, ऑटो इंडस्ट्री तीन चीज़ें चाहती है बजट से। सबसे पहली चीज़ ये चाहती है कि जो कमेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शन की जो तारीख थी, अगर आपको नए कॉर्पोरेट रेट टैक्स रिजीम 15% में आना है ग्रीन फील्ड फैसिलिटी के लिए, वो 2023 थी। ऑटो इंडस्ट्री का कहना है कि मैन्युफैक्चरिंग करना और मैन्युफैक्चरिंग में नए प्लांट लगाना बहुत मुश्किल था कोविड के टाइम पे, और पिछले 3 साल से कोविड ही चल रहा है। तो इसी वजह से ये जो तारीख है कॉर्पोरेट टैक्स वाली, वो 2025 कर दी जाए, पहली चीज़ तो ये। दूसरी ये है कि जो रोड टैप के रेट्स हैं वो अभी 0.6 से 1.6% के आसपास हैं। इंडस्ट्री का कहना है कि जो रोड टैप के रेट्स हैं उसको 2% पर लाया जाए, क्योंकि जो पहली MEIS स्कीम थी जिसको रिप्लेस करा था रोड टैप ने, उसी के रेट 2% से, तो एक यूनिफॉर्मिटी आएगी। और उनको लगता है कि थोड़े से उनको अभी भी इंसेंटिव की ज़रूरत है, 1.6 या 0.6% कम होता है, 2% मिनिमम होना चाहिए इसके लिए। तीसरी जो डिमांड है वो है कि सारे जो कंपोनेंट्स हैं उनकी एक यूनिफॉर्म GST हो, किसी के ऊपर किसी के नीचे का अर्थ नहीं, क्योंकि सारी गाड़ियाँ जो सारे पार्ट्स हैं वो एक ही गाड़ी में लगते हैं, यूटिलिटी सेम है सबकी, तो एक का अलग दूसरे का अलग से बेटर है कि सबकी एक यूनिफॉर्म GST रेट्स हो जाए, जिसकी वजह से जो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग है उसको थोड़ी सी मदद मिलेगी। ये तीन मेजर डिमांड्स हैं। रेवेन्यू सेक्रेटरी से पहले मुलाकात हो चुकी है, हमारे सूत्र बता रहे हैं, और अभी भी बात चालू है सरकार के साथ इन तीनों मुद्दों को लेकर। अब देखना ये होगा कि कैसे आगे आने वाले समय में क्या ये मुद्दे बजट में सॉल्व होते हैं, बजट के बाद सॉल्व होते हैं, क्या किस तरीके से ये मुद्दों को सरकार अप्रोच करती है, वो देखना बहुत ज़रूरी है।